पर एनीवेज बड़ी एक और अच्छी बात है, आपने काफ़ी लोगों को इस इंडस्ट्री में बनाया है. यू रियली हेल्प पीपल एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेन पीपल दैट आई वर्क विथ. आई वॉज टाइनी, एक होता है ना एक इतना सा कैरेक्टर थी. आई वर्क विथ यू एंड ये बड़ी एक अच्छी बात है दैट यू नो यू बीन वेरी, मैंने हमेशा आपको एक बिल्डअप होते हुए इंसान देखा है, दैट यू वर ऑलवेज बिल्ड पीपल अप एंड वन ऑफ द पीपल वर आतिफ असलम. आतिफ असलम, सो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? आई डोंट थिंक, मुझे लगता है सो मेनी, आई बिलीव सो मेनी पीपल. या सो आई थिंक लोग तो जो फिल्में उनको ऑफर होती है वो फिल्मों के बारे में भी इतने टेटा 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 बोल रहे होते हैं. आपने तो माशाल्लाह इतने लोगों को प्रमोट किया है एंड आई थिंक जो एक इंसान गाइडेंस वाला होता है ना वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है. तो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? मदीरा, मुझे लगता है कि जब आप किसी के टैलेंट को, आई एम, पीपल कॉल मी अ किंग मेकर. यू आर. अच्छा, मैं ना कभी, दिस जनरेशन नोज मी एज एन एक्टर, आई एम अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंस द बिगिनिंग. आई थिंक वो जो कीड़ा है ना आपका, इट शुड कम बैक. जब वो वाले मैं उसमें था ना, अपने मोड में या उस डोमेन में, तो मेरे लिए टैलेंट पिक करना मेरी जॉब का हिस्सा था. तो आतिफ का बड़ा मजेदार किस्सा था. मेरा एक दोस्त था इमरान, उस इनका ना झगड़ा हुआ था गौहर का और इसका, जब वो ब्रेक हाँ, तो उसमें हम बीच में बैठते थे कि इन दोनों पार्टीज को हम एक करें. तो वो कहता था कि वो गाना मेरा है, अब तो आदत सी है, वो कहता था मेरा है, इनकी आदत ही होगी. हाँ, अब वो क्या हुआ कि फिर जब वो नहीं माने दोनों पार्टीज, तो मैंने आतिफ को एक तरफ किया. मैंने कहा आतिफ तुम जल बैंड के बजाय जलपरी अपना रख लो और एल्बम निकालो. तो अब पहले हमने वो आदत तो थी रिकॉर्डेड, उसके बाद फिर उसने वो लम्हे रिकॉर्ड किया था. तो वो जब लम्हे मेरे पास आया जैसे ही, तो मैं हिल गया. मैंने कह रही है तो उसने बड़ा कोई कैश गाना बना दिया. तो उस ज़माने में ना कराची आए हुए थे महेश भट्ट. तो मैंने और इमरान ने प्लान किया कि किसी तरह ये सीडी हम महेश भट्ट तक पहुँचाएँ, ठीक है. और मुझे लगता था कि ही डिज़र्व्स टू बी नोन, कि आतिफ असलम डिज़र्व्स टू बी नोन. मैंने अपने घर में रखा उसको. तो बड़ा बहुत अच्छा बच्चा, यानी नमाज के वक्त नमाज पढ़ना, शो चल रहा है वो शो में से उठ जाएगा नमाज पढ़ने के लिए. तो आई रिस्पेक्टेड हिम लाइक अ गुड कैरेक्टर. यस, ही हैड अ कैरेक्टर. और मुझे लगता था ये लंबी रेस का घोड़ा है, और जमाने में दुबला पतला बहुत मासूम सा, बोलता भी नहीं था ज़्यादा. तो मैंने क्या किया कि थ्रू समबडी वी टुक दिस सीडी टू महेश भट्ट, और महेश भट्ट साहब तक पहुँच गई. उस वक्त तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा. जब वो 5-10 दिन के बाद हमें फोन आया दिल्ली से, उन्होंने कहा जी हमने गाना सुना है आतिफ का, तो इस बॉय से पूछेंगे क्या ये इस कोई री रिकॉर्डिंग करवा देगा दिल्ली आके. कहा क्यों नहीं करवाएगा, हमने आतिफ को बुलाना है. आतिफ महेश भट्ट ब्रो. उसने कहा ये एक चीज होती है, एक चीज बनाना और एक किसी के लिए एक एलिवेटर बनाना. आपने सीढ़ियां ने एलिवेटर बनाया. यस यस. उसके बाद मैंने कभी पलट के पूछा नहीं, मैंने कभी उसको फोन नहीं किया. यस यस, लुक एट हिम, इज अ सुपरस्टार वर्ल्ड वाइड. तो फिर मुझे अच्छा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं फोन करके और मैं फिर यू नो अपनी वो जताऊं कि जी मैंने तुम्हारे साथ ये किया. आई डोंट इवन नो कि वो इवन रिमेंबर मी राइट नाउ और नॉट, मुझे नहीं पता. रियली? मे बी, बट ही हैज सीन द वर्ल्ड. उसका पहला शो भी मैंने करवाया था कराची में, पीएफ में. आई वॉज अ डायरेक्टर, और मैंने अपने पैसों से मिलके हम लोगों ने बगैर किसी चैनल के सपोर्ट से उसको हमने पहली दफा स्टेज पे लाइव गवाया था पीएफ में. तो यू आर नॉट इन टच विद आतिफ? नो, नॉट एट ऑल. नो नो, नॉट एट ऑल. ओके, दैट्स प्रीटी. नीलम को भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया, हुमायूं सईद को मैंने इंट्रोड्यूस कराया. But Umayman, everyone. Yeah, but I don't like to just, you know, keep in touch because I've done that. Neelam was very nice. After 10 years, उसने मुझे एक शो में इसी तरह बुलाया और मैंने उसको कभी ये बात नहीं बोली थी. तो उसने व्हेन शी स्टार्टेड द इंट्रो, तो उसने कहा जी मैं पहली बात बता दूं आपको कि ये वो शख्स है जिसका मैंने पहला ड्रामा किया था. मैंने कहा ओ यू रिमेंबर. तो ये कोई क्रेडिट नहीं होता मेरे हिसाब से, क्रेडिट उसका है आतिफ का, नीलम का, हुमायूं का, कि दे वर गुड पीपल. आई नो, पर एक होता है ना लाइक आई थिंक दैट लाइक आई नेवर फॉरगेट बाबर साहब, बाबर तजमल वाइफ के जो ओनर, बिकॉज उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था और उस प्लेटफॉर्म पर मैंने मैनेज कर उस चीज़ को अच्छा किया बुरा किया. लेकिन जो इंसान आपको दरवाजे खोलता है ना, यू शुड नेवर फॉरगेट देम बिकॉज दे आर लाइक योर रूट्स.
बट आई डोंट सीक दैट अटेंशन. अगर उसको याद है तो ठीक है, नहीं है तो डजंट मैटर. आतिफ असलम इज आतिफ असलम. Does it make any change? No. हाँ, you're a malang. I think you've become a malang. है ना? जब इंसान malang हो जाता है, I've become a mali. Trust me. Gardener. जब सब mali बनते हैं ना, तभी सब malang बनते हैं. जब दुनिया ने उनको फूल बनाता है, तो वो फूल पर जाकर बैठ जाते हैं. ए फूल, दुनिया ने मेरे को फूल बनाया. ए फूल. I love my garden. मैं लगा रहता हूँ उसमें. सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे. लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट. आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.